अनेक कार्यक्रमों में हमें जाने का मौका मिलता है, बंद हॉल में कार्यक्रम होते हैं, आज दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किताबों का महत्व भी बताया। एक तरह से वो वाचन की संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि आदमी के पास, मनुष्य के पास वैभव आता है, फिजिकल फैसिलिटीज आती है, घर आता है, गाड़ी आती है, लेकिन अगर किताबें नहीं है और उसका पठन नहीं है तो दिमाग खाली रहता है। और इसलिए वाचन संस्कृति जितनी बढ़ेगी उतनी जरूरत है। हमारे घर में हमने एक प्रयोग किया, आसपास के पड़ोसी, अन्य अन्य कॉलोनियों में रहने वाले लोग जिनको किताबों का प्रेम है, तो एक 25, 30, 40 लोग इकट्ठा आते थे, हर सप्ताह एक बार मिलना, और हर बार कोई जिसने अच्छा किताब पढ़ा है वो एक व्यक्ति उस किताब के बारे में बताएगा, और बताकर इस तरह के पढ़ने वालों के क्लब्स ये होने की जरूरत है। तो पढ़ना और बताना तो लोगों को भी लगता है कि चलो मैं भी पढ़ूं, और इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि सब आप नहीं पढ़ सकते तो दूसरे से भी उसका सारांश मिला तो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आज आपने मुझे गांधी जी के 150वें जयंती में गांधी जी के विचारों का ही किताब दिया है, वो मैं जरूर उसको भी अवलोकन करूंगा, क्योंकि रोज काम का आप 50-100 पेज पढ़ते हो, लेकिन अगर अन्य 50 पेज अगर हम पढ़ेंगे, 100 पेज पढ़ते हैं, तो हमें आनंद आता है, जीवन उसी से समृद्ध होता है। तो ये वाचन संस्कृति बढ़े और पाठक इकट्ठा आकर आपस में छोटे छोटे ग्रुप सुन के बने, और वो अपने क्या पढ़ा है वो एक एक बार एक एक जन बताएगा, इस तरह से अगर काम करेंगे तो ये वाचन संस्कृति का ये रूप बहुत अच्छा होगा, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थी, उन्होंने इसे लिखा था, निकाला, और उसके बाद इसे नया स्वरूप दिया, सीडी बनाने में मदद की है। को देखते हुए डीपीडी की मोबाइल ऐप का भी विकसित को भी लगता है कि ई रोजगार समाचार जो शुरू किया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जब बैंक में काम करता था तो मेरे पास बेरोजगारों का एक विभाग होता था कि उनको प्रेरणा देकर उनको उद्यमी बना। वहां सबसे ज्यादा बिक्री अगर किसी की होती थी तो वो रोजगार समाचार की होती थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की होती थी। ये कहानी है, अब इसको भी 30-35 साल हो गए, लेकिन इसका महत्व हमेशा रहेगा, क्योंकि एक जगह
रोजगार क्या, सभी अवसर एक साथ आपको मिलने की जो व्यवस्था है, एक बार मैं उसका भी रिव्यू लूंगा कि सचमुच में सभी अवसर हम टैप कर पाते हैं कि नहीं, प्राइवेट के आते हैं कि नहीं, ये भी हम एक व्यवस्था तैयार करेंगे ताकि सभी अवसर एक जगह मिले तो इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ेगी। और मैं अभी पूछ रहा था तो सब्सक्रिप्शन से कितने आते हैं और वहां कितने लेते हैं, उसका भी एक बार रिव्यू करके सभी जो रोजगारार्थी है उन तक मिले। अब उसमें यह कंसेशन देने की जरूरत नहीं है, और जरूरत कंसेप्ट ही करेक्ट नहीं है कि 3 साल की सब्सक्रिप्शन भरोगे, इंस्टीट्यूशंस भरेगी क्योंकि कॉलेजों को लगेगा। हम ऐसे एक एक ग्रुप को भी बताएंगे कि आप ये समाचार आपके लाइब्रेरी में रखो, सब्सक्राइब करो। हजारों संस्थान है, वहां जाएंगे तो कॉलेज में सबको पढ़ने को मिलेगा, तो रोजगार के अवसर क्या क्या होते हैं वो भी एक अध्ययन है। हमें जैसे प्राइवेट कारोबारी, निजी कारोबारी जैसा प्रयास करता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, हमें भी वो प्रयास करने चाहिए, तभी ये टारगेट ग्रुप्स करके वहां सब जगह पहुंचना चाहिए। लेकिन इसमें आपने जो सब्सक्रिप्शन 3 साल का रखा है वो इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक है, व्यक्ति 3 साल बेरोजगार नहीं रहना चाहिए कि वो आपका समाचार पत्र रोज पढ़ेगा, सप्ताह में पढ़ेगा, और नहीं रहता है। कौशल प्राप्त होने के बाद बेरोजगार नहीं रहता है। लेकिन इस समाचार को पढ़ने से, मैं जो कह रहा हूं कि कॉलेज में देना चाहिए, बाकी जगह देना चाहिए, तो वो पढ़ के किस प्रकार के जॉब्स की मांग है, ये एक अध्ययन होता है छात्रों का, और वो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वो सही स्किल्स सीख पाते हैं। तो ये आज शुरू हुआ, उसमें कंसेशन आपने दिया है वो लाजमी है, और इसलिए इसको जारी रखिए, यानी उसका खर्चे का बोझ भी थोड़ा कम होगा, तो वो एक अच्छी बात है। आज आपने आपकी वेबसाइट को ठीक किया है, और आज जैसे दुनिया में सभी वेबसाइट कौन से देखे जाते हैं, जो आसानी से देखी जा सकती है, आसानी से समझ सकती है, और आसानी से उसके एप्लीकेशंस को हम उपयोग कर सकते हैं, और जो अट्रैक्टिव है वही तो वेबसाइट लोग देखेंगे ना बार बार, और वो अपडेट होनी चाहिए। मोदी जी आने के पहले क्या हुआ था और मोदी जी आने के बाद बदलाव क्या हुआ, उसमें एक बदलाव ये है, केवल डिजिटल इंडिया बदलाव नहीं है, कि सभी सरकारी ऑफिसेस मंत्रालय जाग गए, क्योंकि वेबसाइट 5-5 साल अपडेट नहीं होती थी पहले। अब मैं तो कहूंगा कि हर 5वें दिन एक बार कोई अधिकारी या कोई जिम्मेवारी लगानी चाहिए, जो भी नई जानकारी आई उसमें जानी चाहिए, एक ऑटोमेटिक फ्लो होना चाहिए। और इसलिए वेबसाइट आज 83,000 लोगों ने उसको विजिट किया है नई बनने के बाद ट्रायल पीरियड में, करेक्ट है, लेकिन ये 83 लाख होने चाहिए, ये तब हम समझेंगे कि ये आपका कार्य सफल हुआ है, क्योंकि लोग पढ़ने के उत्सुक भी है, लोग नए नए जगह, ये एक नई दुनिया है। जो मेरे सामने बैठे इसमें थोड़े ही है जो 40 के नीचे है, लेकिन उनकी दुनिया है ये, और उसमें किताब दोगे तो किताब पढ़ने के बजाय ई किताब में जाएंगे और वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से पढ़ेंगे, वो स्लेट या किताब अब किंडल और इसी रूप में आता है, तो वो हमें समझना चाहिए। तीसरा है, आपने एक ऐप शुरू किया है, मुझे क्या लगता है हमेशा कि हमने अभी लिखा डिजिटल डीपीडी, अब हम ये क्या करते हैं,
उपयोग क्या है, किस मंत्रालय का है, वही नाम देते हैं। लोगों की क्या पसंद है, लोग क्या नाम चाहते हैं, और जो उससे उपयोगिता मिलने वाली है उसके अनुसार उसका नामकरण हो, यह भी तो कभी कभी देखना चाहिए, क्योंकि ध्यान में कैसे रहेगा। लेकिन ठीक है, आपने डिजिटल डीपीडी किया है, उसको भी अपडेट रखते जाओ। और उसको एक सुझाव है मेरा कि सभी मंत्रालयों को मैं अभी दूंगा, अभी बैठे बैठे मेरे मन में आया कि क्यों ना हमारे वेब ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो की भी लिंक होगी, दूरदर्शन की भी होगी, सभी ऐप्स की होगी, और सरकार के भी माय गाँव से लेकर बाकी सभी ऐप्स का भी सभी ऐप्स का लिंक्स देने वाला उसमें प्रोविजन हमें करना चाहिए। तभी जाके ये ऐप, किसी भी ऐप में गवर्नमेंट के जाओ तो सब ऐप की जानकारी मिलती रहेगी, तो एक के बाद एक आदमी ढूंढता रहता है और उसको नई जानकारी मिलती है, रेलेवेंट है तो वो काम करेगा, दिखेगा। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने मूलतः एक वेबसाइट अपडेट की, ये डिजिटल ऐप शुरू किया, ई रोजगार समाचार किया, इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई। अब ये आपने कंपल्शन में किया है या मन से किया है, ये मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण होता है। और मन से अगर किया है तो इसको अपडेट रखना, क्योंकि अब आपने मेरे सामने उद्घाटन किया है तो मैं तो हर महीने देखूंगा आपका लेटेस्ट है कि नहीं, तो इसलिए वो भी आपकी अब परीक्षा और हर एक का काम होगा। ये सत्याग्रह गीता है, ये एक नई कंसेप्ट है। गीता के शैली में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह और अन्य विचार, ये गीता के शैली में रचना की है। और जैसे सचिव महोदय ने कहा, एक ही किताब बचा था, उसको पुनरुज्जीवित करके वो तैयार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता का पठन देहातों में और खासकर हमारे पीढ़ी में तो बहुत होता था, और इसलिए उसी लय में अगर रचना है तो उस रचना को आसानी से आदमी पढ़ सकता है, समझ सकता है। और इसलिए ये चारों कार्यक्रम जो सेपरेट होने चाहिए थे लेकिन आज सब एक किया, तो अच्छी चीज है। आपके और भी नए नए कार्यक्रम करते रहो और वो अलग अलग हम करेंगे, मैं हमेशा आपके लिए समय दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन है, ई रोजगार समाचार हमारी